Sponsored by 7Tree. Plywood, WPC doors, frames, edge band tapes. तेलंगाना IMD की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव ने मुख्य सचिव श्री सोमेश कुमार IAS को निर्देश दिया है कि वो जिला कलेक्टर को हाई अलर्ट पर रहने के लिए प्रेरित करे। उसके अनुसार मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स के साथ एक टेलीकॉन्फ्रेंस की और उन्हें राज्य भर में भारी से बहुत भारी वर्षा के खतरे को सतर्क रहने की आवश्यकता से अवगत कराया। उन्होंने उनसे ये सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा कि मानव जीवन का कोई नुकसान ना हो। मुख्य सचिव ने कहा कि अगले कुछ दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में उन्होंने कलेक्टर्स को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिले के सभी अधिकारी मुख्यालय में उपलब्ध हो और किसी भी तरह की छुट्टी की अनुमति ना दी जाए। निचले इलाकों की पहचान की जानी चाहिए, राहत शिविरों को तैयार रखा जाए। उन्होंने कलेक्टरों को सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करने और सभी निवारक उपाय करने और ये देखने के निर्देश दिए कि कोई अप्रिय घटना ना हो। मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। IMD भारी बारिश का अनुमान लगाता है और इसका असर कल दोपहर से देखा जाएगा। सिंचाई टैंकों में दरार आ सकती है, सड़कें भी जलमग्न हो सकती हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि चूंकि टैंक तालाब और जलाशय उफान पर हैं, अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि संवेदनशील टैंकों में दरार पड़ने पर रेत के थैले तैयार रखे जाएं। राहुल बोजा, सचिव आपदा प्रबंधन और अन्य अधिकारियों ने टेलीकॉन्फ्रेंस में भाग लिया। तेलंगाना, नव भारत समाचार से ब्यूरो रिपोर्ट।